स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही। कुलगाम जिले के चिंगाम इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है जिसमें दो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। तो कुलगाम जिले के चिंगाम इलाके में ये मुठभेड़ चल रही जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक दो आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुरक्षा बल और आतंकवादियों की मुठभेड़। कुलगाम इलाके के चिंगाम क्षेत्र में दो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है और अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कई और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह दो आतंकवादियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिनिगम इलाके में शनिवार तड़के आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के चिनिगम इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में जारी मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त एक्शन लेते हुए आतंकियों की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली जिसमें दो दहशतगर्दों को मारे जाने की जानकारी मिली थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दो आतंकवादियों के शव मुठभेड़ स्थल के पास पड़े देखे जा सकते हैं। हालांकि शवों का बरामद नहीं किया जा सका है क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी थी। इससे पहले की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और सेना की 01 RR की एक संयुक्त टीम ने चिनिगम में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिले विशिष्ट इनपुट पर घेराबंदी के लिए कार्रवाई की थी। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने खोज अभियान शुरू किया और जैसे ही संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान को घेर आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। संयुक्त टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें दो आतंकवादी मारे गए हैं। और जम्मू से हमारे संवाददाता राही कपूर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राही, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है, अभी तक दो आतंकवादी मारे गए हैं, फिलहाल वहां पर कितने और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है? रात को एक इनपुट मिला था कुलगाम के जो है चिंगाम इलाके में कि वहां पर कुछ आतंकियों की जो है वो मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद सेना और पुलिस ने जो है एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। उसके बाद इलाके की घेराबंदी करके देर रात से जो है ये इनकाउंटर चला और आज सुबह सुरक्षा बलों को एक सफलता हासिल हुई जिसमें दो आतंकवादी मारे गए जो बताए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन से था। और कहीं ना कहीं अभी पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना ने पूरे इलाके को घेराबंदी करके और कहीं और भी आतंकियों को छिपे होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है और दोनों ओर से गोलाबारी जो है वो जारी है। जी दिनेश, राही, जो आतंकवादी मारे गए उनकी पहचान क्या हो पाई है? कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों आतंकवादी? कश्मीर के रहने वाले हैं या फिर सीमा पार के रहने वाले हैं? जी हाँ, ये जो मतलब कि हमारे जो ऑफिशियल्स जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये दोनों जो है कश्मीर घाटी के ही रहने वाले लोकल मिलिटेंट्स हैं ये दोनों और इनका ताल्लुक जो था वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ था। जी जी राही, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।